ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का, जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस की टिकट को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजय माकन के दौरे के बाद बदला टिकट वितरण का फॉर्मूला, सभी संभागों से सिंगल नाम स्क्रीनिंग कमेटी को देगी चुनाव समिति। लगातार संभागवार नामों पर मंथन कर रही है प्रदेश चुनाव समिति। आज दो संभागों के नामों पर हो रही है सीएम हाउस में चर्चा, कल भी एक संभाग के नामों को लेकर होगी चुनाव समिति की बैठक। सिंगल नाम तय होने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की फिर होगी बैठक। तो खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर लगातार सिंगल नाम को लेकर जो है बैठकों का दौर जारी है। आज दो संभागों के नामों पर सीएम हाउस में चर्चा हो रही है। कांग्रेस की टिकट को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। अजय माकन के दौरे के बाद बदला टिकट वितरण का फॉर्मूला, सभी संभागों से सिंगल नाम स्क्रीन कमेटी को देगी चुनाव समिति। और इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ गए हैं। गौरव, अगर बात की जाए तो अजय माकन के दौरे को लेकर जो है टिकट वितरण की कहा जा रहा है प्रणाली में जो बदलाव हुआ है, क्या कुछ बदलाव गौरव इस टिकट वितरण प्रणाली में हुए हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन के दौरे और उनके तेवर के बाद में जो कांग्रेस के टिकट वितरण का फॉर्मूला है वो पूरी तरह से बदल गया है। पहले 30 से 35 सीटों पर नाम तय कर सिंगल नाम स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपे जाने थे, लेकिन अब ये जानकारी सामने आई है कि सारे के सारे 90 सीटों पर नाम तय करने के बाद ही स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपा जाएगा और सभी 90 सीटों पर नाम तय करने के लिए बैठकें जो होगी प्रदेश चुनाव समिति की वो संभागवार रखी जाएगी। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद आज प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें रायपुर और दुर्ग संभाग के नामों पर चर्चा हो रही। इन दोनों संभाग में कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं उन पर चर्चा की जा रही है। अगर कल की बात की जाए तो कल बिलासपुर और सरगुजा संभाग की बैठकें होंगी, उनके नामों पर चर्चा होगी। इसके बाद सोमवार को संभावित है कि बस्तर संभाग के नामों पर चर्चा की जाए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 5 जो वरिष्ठ नेता है वो इन बैठकों में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इन बैठकों में शामिल होंगे और समय अनुसार अलग अलग संभागों के मुताबिक वरिष्ठ नेताओं को बुलाया जाएगा और उनसे फीडबैक लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बैठकें हैं वो संभागवार होंगी और 20 के, जैसा कि हम अपने दर्शकों को ये जानकारी लगातार दे रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद और संसद के विशेष सत्र के बाद ही सीईसी की बैठक होगी। तो ये जानकारी और बता दें कि जो अब कांग्रेस की पहली सूची में ये माना जा रहा था कि 30 से 35 नाम आएंगे, तो अब ये जानकारी निकल कर सामने आई कि बड़ी सूची होगी और सभी वरिष्ठ नेताओं के नाम होंगे और 40 से 50 तक के नाम पहली सूची में शामिल हो सकते हैं। जी गौरव, पहले कहा जा रहा था कि नामों का एक विशेष पैनल बनाया जाएगा जिसमें 2 से 3 नाम होंगे, लेकिन अब चर्चा ये भी है कि सिंगल नाम जो है चुनाव समिति स्क्रीनिंग कमेटी को भेजेगी, इसको लेकर क्या कुछ कयास जानकारी? निश्चित रूप से अजय माकन ने स्पष्ट तौर पर कल की बैठक में कहा कि अलग अलग नाम नहीं दिए जाए, जो स्क्रीनिंग कमेटी के पास नाम भेजे जाएं वो सिंगल नाम भेजे जाए और सभी 90 सीटों से एक साथ नाम भेजे जाएं। तो अब ये तय है कि सभी संभागों की एक्सरसाइज करने के बाद कांग्रेस चुनाव समिति स्क्रीनिंग कमेटी को सिंगल नाम सभी 90 सीटों पर भेजेगी और वही सिंगल नाम जो है उन पर चर्चा करने के बाद, स्क्रीनिंग करने के बाद, छटनी के बाद फिर सीईसी की जब बैठक होगी तो इन नामों को रखा जाएगा। तो पूरा फॉर्मूला जो कांग्रेस के टिकट वितरण का था वो अजय माकन के दौरे के बाद और उनके तेवर के चलते बदल गया है। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी अगर बात की जाए इसमें क्या कुछ जो मौजूदा जो मंत्री हैं जो कहा जा रहा था कि सिंगल नाम उनका भेजा जाएगा, तो क्या उनके नामों को लेकर भी सस्पेंस अभी बरकरार है? अभी ये ना माना जाए कि मंत्रियों की टिकट लगभग तय मानी जा रही थी, वो अब ना माना जाए? देखिए कल की स्क्रीनिंग कमेटी में भी वरिष्ठ नेताओं पे और मंत्रियों पर चर्चा हो चुकी है, उनके नामों पर सहमति है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनके नामों पर सहमति की स्थिति नहीं है और पैनल की स्थिति है। उन स्थानों से नए चेहरे, नए दावेदारों ने भी टिकट मांगा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये स्थिति बनी हुई है कि इनके स्थान पर किसे टिकट दिया जा सकता है, इस पर पशुपेश की स्थिति। ऐसे स्थानों पर एक के स्थान पर 2 नाम रखे गए हैं पैनल में, तो अब इनको सिंगल करने की प्रक्रिया प्रदेश चुनाव समिति को करनी होगी और इसके बाद ही नामों पर चर्चा स्क्रीनिंग कमेटी में होगी और उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, सीईसी है, उसमें होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया ही जो है वो अब टिकट की बदल गई कांग्रेस की। जी गौरव, बात किया जो असंतुष्ट कार्यकर्ता है, जो नाराज कार्यकर्ता है, उनके लिए इस बैठक में क्या कुछ खास होगा, उनको कैसे मनाने की कवायद की जाएगी इन बैठकों के माध्यम से?
देखिए कांग्रेस में कहीं ना कहीं 2800 से अधिक जो दावेदार हैं वो सामने आए थे 90 सीटों के लिए, लेकिन बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए ये रहने वाली कि क्या 71 जो विधायक हैं उनमें से बहुत सारे विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स जब फील्ड में गए तो वहां पर बहुत संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिले। ऐसे में इन विधायकों को रिपीट किया जाएगा या नए चेहरों को टिकट दी जाएगी, तो पहले बात तो ये है, पहली चुनौती तो ये होगी कि विधायकों की अगर टिकट काटते हैं तो विधायकों को ही मनाने की होगी, और जिन स्थानों पर नए चेहरे को उतारती पार्टी वहां पर विधायकों का क्या रुख होता है, वहां पर स्थानीय कार्यकर्ताओं का क्या रुख होता है, और कैसे भीतरघात को रोकने अंतरकलह को रोकने की तैयारी करती है, ये निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी। चलिए गौरव, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए हमारी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको बता दें कि रायपुर में अजय माकन के दौरे को लेकर कांग्रेस की टिकट वितरण प्रणाली में जो है बदलाव किया गया है। अब संभाग स्तर पर चर्चाओं का दौर जारी है, अलग अलग संभाग की बैठकों में चर्चा की जाएगी, टिकट को लेकर मंथन किया जाएगा।